नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एम पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। बस आप लोग एस्केप मत कर जाइएगा इस चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब क्या बोलते हैं शेयर करते रहिए। अच्छी अच्छी वीडियोस अभी बहुत सारी आने वाली है। आज मैं ट्राई करूँगा कि ग्रेविटेशन को ख़त्म कर दूँ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ में। देखते हैं कितना हो सकता है, नहीं तो फिर एक और नेक्स्ट वीडियो बनेगी। ट्राई कर रहा हूँ कि मैं है ना, तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों का दोनों आज ख़त्म कर दूँ। बहुत आसान टॉपिक है और जिन्होंने ग्रेविटेशन के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो जा करके भाई देख लो, अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने वहाँ सीखा है ना। स्टार्ट किए थे हम लोग न्यूटन्स लॉ से, है ना। वो क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, MSG बन गया, नहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, जी पहला मास M1 दूसरा मास M2 बाय डिस्टेंस होल स्क्वायर, ये ना था दो मास के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फोर्स M1 और M2। और हम लोगों ने, ये था हमारा फोर्स का वैल्यू, और इसी का अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिखना था तो वो हम लोग सीखे थे जी पहला मास दूसरा मास बाय होल डिस्टेंस r। काइनेटिक एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, हाफ ऑफ mv का होल स्क्वायर। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इतना ध्यान से, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी बातें आज के वीडियोस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले ही लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ों को, ताकि आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें तेजी से घूम जाए, है ना। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा मास मैंने रखा हुआ एम, और ये अगर कोई वेलोसिटी बी से घूम रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। और ये जो भी नेट फोर्स होगा हम उसको कह देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से अगर घूम रहा है तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसको हम कह देंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये इन सब का यूज़ होगा। आज इसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खतरनाक चीज़, अर्थ से निकल जाना है। कब तक इस पे बैठे रहेंगे हम लोग, है ना। अर्थ हमारा खूबसूरत प्लानेट है ना, बहुत बहुत बेहतरीन प्लानेट। इसको क्या बोलते हैं भाई, बचपन सीखते आए हैं कि यहीं पर जीवन है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आज लेकिन हम लोग को यहाँ से जाना है ना, एकदम अर्थ से बाहर बाहर, इतना दूर इतना दूर इतना दूर कि फिर अर्थ पे लौट नहीं पाए, ऐसा हमारा अप्रोच है। आप लोगों ने शायद इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, रूट ओवर 2gm/r, है ना, या फिर रूट ओवर 2gr, है ना, रूट ओवर 2gr, है ना। g का वैल्यू हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ये लेकिन था किसके लिए, ये अर्थ के लिए था, यानी कि अगर कोई सिस्टम कोई बॉडी, ये हम अभी प्रूफ करेंगे, ध्यान समझना है कि अगर हमारा अर्थ है ना, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये कॉपी कर लो पहले, ठीक है, फिर हम आगे बात कर, थोड़ा बहस करते हैं इस पर। अभी मैं जैसे बता रहा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे इन चीज़ों के बारे में कि आखिर कैसे हम अर्थ से बाहर निकल सकें, अर्थ फ्लैट है, ये भी देख कॉन्सेप्ट था कि अर्थ फ्लैट है, इसको तो बाद में बताया गया कि भाई अर्थ फ्लैट नहीं है, ठीक है, अर्थ तो गोल है, ठीक है। तो अगर अर्थ गोल है तो न्यूटन ने एक हाइपोथेटिकल, एक सपना में सोच करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था, ध्यान समझना, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट क्या था, तो न्यूटन का कैनन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या सोचा कि अगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, देख रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इस पर मैं एक तोप लेकर चला जाऊँ, देख रहा है ये तोप, ठीक है, ओके, इस तोप से, है ना, तोप को लेकर जाऊं और यहां से मैं एक गोला छोड़ू,
बम। क्या होगा अगर मान लेते हैं कि जमीन अगर फ्लैट होगा तो क्या होगा? इस तोप से जब गोला गिरेगा तो वो जमीन पर गिर जाएगा। उन्होंने सोचा, उन्होंने फिर सोचा कि अगर मैं इसका स्पीड बढ़ा दूं तो थोड़ा और दूर जाकर ही गिरेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी अगर इसकी बढ़ जाएगी तो इसका रेंज बढ़ जाएगा। ये क्यों गिरेगा नीचे? क्योंकि अर्थ इसको अपने तरफ खींच रहा होता है जी एक्सेलरेशन से। ठीक है, अगर अर्थ फ्लैट है तो मैं कितना भी स्पीड दूं, अगर अर्थ फ्लैट है तो मैं कितना भी वेलोसिटी दूं, इसको अल्टीमेटली अर्थ पे ही गिरना है। लेकिन ये बात तो तय हो चुका था तब तक न्यूटन के समय तक, न्यूटन के पहले ही अरिस्टोटल ने ही बोल दिया था कि अर्थ गोल है, तो इस बात का तो अंदाजा ही लगना बेकार था कि अर्थ फ्लैट है, तो उसके बारे में सोचना ही बेकार था। अब हम बात कर रहे हैं अर्थ अगर गोल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारे पास कुछ वेलोसिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं। इन्होंने सोचा कि मैं एक वेलोसिटी से फेंका गेंद को, यहाँ गिर गया, है ना ऐसे, और अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो थोड़ा दूर के बाद गिरेगा, यहाँ तो गिरेगा। मैं और स्पीड बढ़ा दूँ, और स्पीड बढ़ा दूँ इसका, ये तोप से गोला जो मार रहा है इसकी स्पीड मैंने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, ये सेंटर दिख रहा है ना, इतना ऐसा स्पीड हमने इसको दे दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है इस पे, ये वेलोसिटी का वैल्यू मैंने कांस्टेंट कर दिया, ऐसा वेलोसिटी दिया भी जीरो, जिससे कि ये जैसे ही अर्थ की तरफ आना चाहता है, जैसे ही अर्थ की तरफ आना चाहता है अर्थ घूम जाता है, गिरेगा तो इसको पक्का ही, इसको गिरना तो है ही अर्थ पे, अर्थ घूम गया, मतलब बेसिकली अर्थ घूम नहीं रहा है, अर्थ तो ऐसे ही है, ये आ रहा है अर्थ पे, अर्थ पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है ना, इसकी स्पीड ऐसी है कि ये हर समय जो फोर्स लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, और इसकी जो वेलोसिटी है बी जीरो, ये हर समय परपेंडिकुलर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, अगर छोटा सा वर्क के बारे में बात करें, और अगर हम पावर के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, पावर फोर्स वेक्टर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, जिसको हम डीपी कह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि फोर्स वेक्टर और डीवी वेक्टर दोनों का दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो पावर मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि पावर नहीं लगेगा इस सर इस सिस्टम में। देखते हैं कि वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो इसका वेलोस ये जो वेलोसिटी अगर फोर्स के परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स है ना सेंटर की तरफ, तो वेलोसिटी अगर फोर्स के परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन में ये हर समय एक ऐसा पाथ को ट्रेस आउट करेगा जिससे कि इसकी वेलोसिटी घटेगी ही नहीं, कोई वर्क नहीं होगा, और इससे इसका डिस्टेंस भी नहीं घटेगा, हर समय इसको सर्कुलर पाथ में ही आएगा। और यहाँ पर न्यूटन अगर खड़ा होगा तो उसको लगेगा पड़ाक पीछे से, सेम स्पीड से। अगर उनका ये सोचना था कि अगर अर्थ फ्लैट है, सॉरी अर्थ गोल है, तो ये तो होना चाहिए कि घूमते 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 फिर से पड़ाक लगे, ये स्पेशल वेलोसिटी है, इससे कम रहेगा तो ऐसे घूम जाएगा, है ना, थोड़ा पैराबोलिक शेप बनाएगा अर्थ पे, है ना, इस तरह का। अगर हम थोड़ा इमेजिन करें तो कुछ स्पायरल शेप वगैरह रहेगा, है ना ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा शेप बना बना करके घूम जाएगा। लेकिन अगर भी जीरो स्पीड दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सर्कल बनाएगा, परफेक्ट सर्कल बनाएगा, और इसी स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ये इनका कहना था कि न्यूटन ने सोचा कि अगर मैं एक ऑर्बिटल स्पीड दे दूं, ऐसा स्पीड दे दूं कि जिसके बाद ये अर्थ पे वापस आए ही नहीं और अर्थ पर अर्थ का चक्कर लगाते रहे, मिनिमम स्पीड, दैट्स अ मिनिमम स्पीड। ये कैसा स्पीड है, मिनिमम स्पीड है जिसके बाद कि अर्थ का चक्कर घुमाना स्टार्ट। अभी हम इससे बढ़ा सकते हैं स्पीड, इससे अगर मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ा दूं तो ये ऐसे घूमेगा और इलिप्टिकल पाथ बनाकर फिर से वही, ठीक है। इस स्पीड में क्या है, इसमें वेलोसिटी का भी जीरो, जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये ज्यादा है भी जीरो से, इस वाले में पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल, क्योंकि अर्थ खींचेगा उसको, अर्थ निकलने नहीं देगा इतना आसानी से, अर्थ से निकलना इतना आसान है, ठीक है, अर्थ से निकलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने सोचा कि मैं अगर अर्थ से निकलना चाहूँ तो क्या करूँ, मुझे तो इसके रेंज से बाहर निकलना है।
उन्होंने एक स्पीड के बारे में थिंक किया कि मैं ऐसा स्पीड दे दूं, ऐसा स्पीड दे दूं कि अर्थ से सीधा बाहर आ जाए, कभी अर्थ वापस नहीं आए। और इस स्पीड को ही कहा गया एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? ऐसी स्पीड दूं कि जिससे कि ये फिर से अर्थ वापस नहीं आया। और इस शेप जो पिक्चर बनाएगा इसका नाम हो जाएगा पैराबोला। ठीक है? और इसके वेलोसिटी के लिए इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए इसके पास, इतना तो एनर्जी देंगे ही कि सीधे इन्फिनिटी को पहुंच जाए। ठीक है? अगर मैं इससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा दूं तो ये सीधा का सीधा यहाँ से एक हाइपरबोलिक पाथ, ये कैसा हो जाएगा? हाइपरबोलिक पाथ पे ये चला जाएगा। ठीक है? इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस के बारे में उन्होंने बस सपना में सोच लिया। कितने बड़े आदमी थे, 12 नंबर का चप्पल तो पहनते होंगे, है ना? बड़ा आदमी क्या होता है पता है ना, बड़ा आदमी वो जमीन से ही खड़े खड़े पंखा साफ कर लेता है। रिटर्न करते थे क्या? बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा कहानी अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में, है ना? अभी तो हम लोगों ने पिक्चर्स देखा, पहले कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी सच दैट इट डज नॉट कम बैक टू द इनिशियल इंट्रैक्शन। अभी एक एक करके रिवील करते हैं हर बात को। पहले तो हम अर्थ के, जो आप लोग पढ़े हुए हल्का फुल्का, हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक अर्थ है, एक ही तो है ही बेचारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना अर्थ, रेडियस आर है। मैं एक मास को, जिसका मास है छोटा सा मास है, इसको मैंने एक स्पीड दिया वी ई। ठीक है? हम चाहते हैं ये अर्थ के इंट्रैक्शन में फिर से वापस नहीं आए, तो मैं इसे कहाँ भेजूँगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है? तो भाई इतना तो एनर्जी मुझे इसको देना पड़ेगा कि इन्फिनिटी पहुँच जाए, तो बस मैं कुछ नहीं करूँगा, शुरुआत से बस लगा दूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अभी देखना यहाँ पर कॉमेडी होने वाला है धीरे धीरे करके। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एम भी का स्क्वायर, जिसको हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं भी ई हमने लिखा है इसको स्पीड, तो भी ई का स्क्वायर देंगे शुरुआत में। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या इनिशियल के बारे में? इनिशियली ये इस मास का अर्थ से इंट्रैक्शन है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हम इंट्रैक्शन एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? ये आर का हुआ डिस्टेंस क्या, और इसको तो मास ऑफ अर्थ एम ही लिख देंगे, तो क्या होगा इंट्रैक्शन एनर्जी? माइनस जी मास ऑफ अर्थ इस मास बाय डिस्टेंस आर, है ना? इसका इंट्रैक्शन बाद में क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं ऐसी मिनिमम एनर्जी मिले कि इन्फिनिटी पर जा करके रुक भी जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मिनिमम के बारे में बात करें, इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हमने जीरो लिख दिया, और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर तो जीरो लिखते ही है, तो एम से एम कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से वी ई का होल स्क्वायर, दिख रहा ना, इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर, नीचे से यहाँ से टू चला जाएगा इधर, तो वी ई का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर टू जी एम ई बाय आर। हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस होता है जी एम बाय आर, है ना? जी एम बाय आर। तो एक काम करते हैं, जी एम बाय आर दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी स्क्वायर होता है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं आर बाय आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर टू जी आर, इज दैट ओके? और जी का वैल्यू हमको पता है 9.8, और रेडियस का वैल्यू पता है 6400 किलोमीटर, जिसके बाद इसके वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट वेट, क्या इतना स्पीड देने से कोई आदमी अर्थ से बाहर निकल जाएगा? निकल तो जाएगा, वो सिर्फ निकलेगा अर्थ के इंट्रैक्शन से, लेकिन कंडीशन है कि बगल में मून नहीं है, बगल में वेनस नहीं है, बगल में मरकरी नहीं है, सन नहीं है, एक भी प्लानेट नहीं है। अगर मैं ऐसा मान लूं कि अर्थ आइसोलेटेड सिस्टम में है, कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड है, दुनिया में पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ है, तब ये चीज़ लागू होगा, अदरवाइज नहीं। और सोच के देखो, अगर आइसोलेटेड है देन भी कितना स्पीड चाहिए? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। गॉड, अर्थ से निकलना कितना मुश्किल है। अभी मज़ा आएगा,
धीरे धीरे करके। ये समझ में आया? पहले कॉपी करो, फिर धीरे धीरे मैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ। ये तो सिर्फ बवा वाला कहानी है, ठीक है। चलो एक सवाल लिखते हैं, है ना। ये जेई 17 का क्वेश्चन है, तब समझ में आएगा आखिर हम क्या कह रहे थे पीछे। छोटा सा चीज़ है, कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं, सवाल क्या कहना चाह रहा है पहले हम क्या कहेंगे। सवाल ही बहुत कुछ कह रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। उसमें से हम कुछ डेटा कलेक्ट कर लिए हैं। कह रहा है कि इस रॉकेट, ये एक छोटा सा रॉकेट है, इस रॉकेट को हम चाहते हैं कि सन अर्थ सिस्टम से बाहर निकाल दें, मतलब फिर से वापस नहीं आए। अभी फिर से एजम्पशन लिया गया है यहाँ पर अदर कोई प्लैनेट नहीं है, ओके। अदर कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ जो है यही दोनों है। इस दोनों के सिस्टम से, इसके इंट्रैक्शन से इस वाले को बाहर निकाल देना। कहाँ भेज दूंगा मैं इसको? इन्फिनिटी पर। कंडीशन दिया गया, इसको जो फेंका गया है वो इन दोनों से दूर इसी लाइन पर फेंका गया है, अदर इधर उधर नहीं फेंका गया, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, कुछ तो करना है नहीं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली किसके पास काइनेटिक एनर्जी हुआ? ये रेस्ट में है, इसको रेस्ट में रखना है, यही ना जाएगा। तो ये जिसकी स्पीड हो जाएगी, मान लेते हैं इसके वेलोसिटी भी, तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ एम भी का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन कितने सारे होंगे? ये मास है और अर्थ है, एक इंट्रैक्शन इन दोनों का बनेगा। इस मास का इस सन से एक इंट्रैक्शन बनेगा और अर्थ का सन से इंट्रैक्शन बनेगा। तो मुझे तीनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो प्लस लिखते हैं, माइनस में जी मास ऑफ अर्थ मास बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर हो जाएगा, रेडियस आर, है ना। फिर मास का सन से लिख रहे हैं, माइनस जी मास मास ऑफ सन बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, जिसके डी का वैल्यू लिखा है 2.5 × 10⁴ रेडियस। तो 2.5 × 10⁴ टाइम्स ऑफ रेडियस की जगह पे। अब फिर एक और होगा मास और सन का, माइनस में जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगेन डी है, 2.5 × 10⁴ रेडियस। अब बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो आर भी है, ये भी कैलकुलेट कीजिए। अरे बाबा ये देखो 2500 प्लस में एक और आर जोड़ देंगे तो 2500 + 1 क्या फर्क पड़ता है, चलेगा लगभग में। इज इक्वल टू, फाइनली ये तो रेस्ट में आ गया होगा इन्फिनिटी पर, प्लस में इस मास का अर्थ से इंट्रैक्शन, क्योंकि इन्फिनिटी पर चला गया ये, इसी रॉकेट का इससे इंट्रैक्शन जीरो, मगर अर्थ और सन अभी भी है अपनी जगह पे, इसको तो काउंट करना पड़ेगा। माइनस में जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन बाय डिस्टेंस डी। क्या ये वाला हिस्सा कट जाएगा क्या? तो मैं इस दोनों को कैलकुलेट करके इधर भेज दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एम भी का होल स्क्वायर इज गेटिंग एज जी, एम से एम तो कट ही जाएगा कॉमन आकर के, है ना, एम उड़ा दे रहे हैं, जी एम ई बाय रेडियस आर प्लस में जी एम एस बाय 2.5 × 10⁴ आर, और एम एस के जगह पे हम हटा करके लिख सकते हैं इसको 3 × 10⁵ मास ऑफ अर्थ। यहाँ से ये सारा चीज़ तो कॉमन आ रहा है, तो जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस आर निकाल लेते हैं, दो को भी इधर भेज ही देते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में यहाँ बचेगा 3/2.5, और 4 से 4 भी कटेगा, 30/2.5 बचेगा, नहीं अब पॉइंट उड़ा देंगे तो ये 10 आ जाएगा, इज इट ओके। तो 25 और ये 12 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो 12 और 1 13 हो गया, नहीं हो गया, तो 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस आर × 13 × 2 = 26 हो गया, का रूट कर देंगे तो मुझे भी ई मिलेगा, इज इट ओके। आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 × 13, 2gme/r का वैल्यू हमको पता है, देखो ध्यान से हम ऐसे लिख रहे हैं 2gme/r √13, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है इसी ने बुक, जो सवाल था उसी सवाल में दिया हुआ था 11.2, और इवन हमको पता भी है √13। हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 42 km/s। अब इमेजिन करो कि सिर्फ
अर्थ था और कुछ नहीं था, तो मुझे इतनी की जरूरत थी अर्थ से निकलने के लिए। अभी अर्थ और सन का इंटरेक्शन आया, और वो भी कंडीशन है, इधर ही जाना है, अदर किसी डायरेक्शन में नहीं, और कोई प्लानेट भी नहीं है, तब फिर इतने है। अभी मैं अगर इंट्रोड्यूस करूँ मून को और बढ़ेगा क्या ये वैल्यू, क्योंकि मुझे इधर भी तो ऐड करने पड़ेंगे और इधर भी, और कोई अदर जितने सारे 8 प्लानेट ड्वार्फ प्लानेट है, बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट है, उन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो सोलर सिस्टम से निकलना नामुमकिन टाइप का हो जाएगा। एक एक चीज़ की एनर्जी इंट्रैक्शन से हमको सारे सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आप अर्थ से तो बहुत दूर की बात है, सॉरी सोलर सिस्टम से बहुत दूर की बात है, अर्थ से ही नहीं निकल सकते, क्योंकि इतना मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जो सेटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं उन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर बात करेंगे अभी तुरंत, ठीक है। अभी तो एस्केप वेलोसिटी का होप करते हैं क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ रही, बात इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो कॉपी कर लो पहले। अब बात कर रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड का, पीओ के बारे में बात कर रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं यहां पर कि अगर ये वही वाली न्यूटन के कैनन वाली कहानी कि अर्थ है हमारे पास, इस अर्थ से मैं एक मास को है ना किसी एच डिस्टेंस पर रखा हूँ, एक मास जो कि अर्थ से कोई एच डिस्टेंस पर है, और एकदम ध्यान समझना है, बहुत आसान है ये पूरी पूरी कहानी, और हम इसको कोई भी जीरो स्पीड दिए जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फोर्स और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगा हर समय, और ये ऐसे करके घूम गया, ठीक है, तो घूमेगा तो हमें समझ में आता ही है, अगर कोई चीज घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा जिसका नाम है GMM/R², है ना, और जो कि इसको नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो क्या बोलेंगे यहां पर, ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इट ओके। तो जो नेसेसरी जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी मास ऑफ अर्थ और इसका मास बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मास ऑफ अर्थ हम कंसीडर करेंगे यहां पर, ये पूरा का पूरा मास है अर्थ वाला, और ये तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया R प्लस में H, ये डिस्टेंस यहां से तक का डिस्टेंस H है, तो क्या हो जाएगा R प्लस में H का होल स्क्वायर, दैट प्रोवाइड्स m v जीरो का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस R प्लस में H, रेडियस तो अभी भी वही लिखेंगे R प्लस में H, दैट गिव्स कैंसिल आउट, m से m गया, v जीरो का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास g मास ऑफ अर्थ R प्लस में एच का वैल्यू, इज दैट ओके, आसान है, यही है आपका ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल क्या हो रहा है, गलत बात है ये सब, चलो समझ में आ गया। अब इसमें कुछ कंडीशन लेते हैं, केस नंबर वन, किसी का दिमाग फिरा, उसने बोला कि मैं जा करके अर्थ के सरफेस पर सेटेलाइट छोड़ूंगा, है ना, वो जो दीपावली में कुछ लोग करते हैं ना ऐसे रोड पे ही बाबू साहब रॉकेट को ऐसे छोड़ देंगे, बोलेंगे आह मैं ऐसे अर्थ का इधर से इधर चक्कर मरवा करके छोड़ूंगा, नहीं दीपावली में रॉकेट छोड़ देता है कुछ लोग, ऐसे छोड़ेगा बाबू साहब रोड से, आप लोग में से कितने लोग करते होगे, नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है ना, लेकिन वो कुछ लोग करते हैं, वैसा ही काम यहाँ भी कर रहे हैं, अभी हम बोले नहीं करना चाहिए, बता अभी हम करेंगे, क्या कंट्राडिक्शन है, गड़बड़ बात है सर। एच का वैल्यू मान लेते हैं जीरो है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो बी जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर जी एम ई बाय आर हो जाएगा, और हमको पता है मास ऑफ अर्थ, जी का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, वाह। अगर आपका दीपावली वाला रॉकेट 8 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ ले, पूरा अर्थ का चक्कर अर्थे पे लगाएगा कमाल हो गया, नहीं समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत है, आसान है कि नहीं है, ठीक है, ये था अर्थ के सरफेस पर। अभी
अर्थ के सरफेस पर तो बात नहीं करते हम लोग, हम लोग अर्थ के सरफेस पर सैटेलाइट छोड़ते हैं, हम लोग कुछ और डिस्टेंस पर छोड़ते हैं, उसका बात करेंगे। पहले कॉपी कर लो इसको। बात कर रहे हैं अब जियो, अरे ये JIO वाला नहीं है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये हमारा अर्थ और ये हमारा प्यारा सा सैटेलाइट, प्यारा प्यारा। और ये किसी ऑर्बिटल स्पीड से चल रहा है। क्या बात है, क्या ड्राइंग है। ये हो गया हमारा रेडियस आर यहां से तक, और यहां से देखोगे एच डिस्टेंस। फिर से वही रोना धोना, हम लोग को पता ही है क्या निकला था। V0 का स्पीड रूट ओवर GM/R+H, ये निकला था ना, ये आया था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान समझना है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सैटेलाइट हो जो कि हमारे इंडिया में, ये यहाँ माना था हमारा इंडिया है ना, यहीं पर इंडिया है। हम चाहते हैं ये दिल्ली है या पटना है, ये दिल्ली, ठीक है, ये क्या है, हमारा दिल्ली है। ध्यान समझना है पूरी कहानी को। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर घूमे, जिसका कि नज़र दिल्ली पर ही रहे, मतलब वो दिल्ली के जस्ट ऊपर रहे, दिल्ली के जस्ट ऊपर। ध्यान सुनना ये बात को, कि हम चाहते हैं ऐसा सैटेलाइट जो कि घूमे अर्थ के चारों तरफ, लेकिन वो हर समय दिल्ली के ऊपर रहे। अब दिल्ली तो हर समय रुका हुआ रहता नहीं, क्योंकि अर्थ तो घूम जाता है 24 घंटा में एक बार घूम जाता है, बात तो समझ में आ रही ना, इसलिए तो अर्थ घूम जाता है। क्लियर हुआ? तो इसको भी तो घूमना पड़ेगा साथ में, साथ में ही। अगर दिल्ली यहाँ है, सैटेलाइट यहाँ, दिल्ली इधर आया, तो इसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा। दिल्ली यहाँ से यहाँ, सैटेलाइट को भी यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, है ना। दिल्ली थोड़ी देर के बाद यहाँ पर, तो सैटेलाइट को भी यहाँ आना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ दिस बिल्ली, सॉरी सैटेलाइट, मतलब टाइम पीरियड जो भी अर्थ का रोटेशन है वो तो 24 घंटा है ना, जिसको कि बोलते हैं 86,400 सेकेंड्स, किलोमीटर कमाल है ना, 86,400 सेकेंड्स। इतना ही टाइम पीरियड इस ऑर्बिट सैटेलाइट का होना चाहिए, तभी तो ये उसके साथ में ही घूमेगा दिल्ली के ऊपर। दिल्ली, दिल्ली है दिलवालों की, हम लोग पटनाइट्स हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं, सॉरी मिलते क्या लिख ही रहे हैं। हम पहले इसका टाइम पीरियड निकालते हैं सर, टाइम पीरियड क्या होगा, हमें पता है टाइम बराबर, वेलोसिटी का वैल्यू पता है ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2π, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R+H, अब बाय डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड t। तो टाइम पीरियड की जगह पर क्या लिखेंगे, t का वैल्यू, ये t का वैल्यू देखो ध्यान से, t बराबर क्या हो जाएगा 2π R+H बाय होल दिस वन रूट ओवर GM/R+H। एकदम आसान है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, इस सब को हम अगर अंदर भेज दें, अंदर भेज दें इसको अंदर में, तो रूट ओवर हो जाएगा 4π² 2 भी अंदर जा गया, 4 भी अंदर गया, 4π² R+H का होल का क्यूब बाय GM हो जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू। और अगर इफ टाइम पीरियड का वैल्यू 24 आवर हो जाए, टाइम पीरियड का वैल्यू 24 आवर हो जाए, तो हमको यहाँ से, क्योंकि हमको टाइम पीरियड का वैल्यू 24 आवर पता है, मास पता है, जी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो क्या मैं एच नहीं पता कर सकता। एच का वैल्यू मिलता है 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये सब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, और आप लोग को याद भी रखना है। अब मैं, आपको पता है कि पाई का वैल्यू पता है ना 9.9 होता है, जी का वैल्यू 6.67 वाला होता है, एम मास ऑफ अर्थ है ये, है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, एच निकल जाएगा आराम से, जिसका वैल्यू आपको पता है, आप तो बता दिए 36,000 किलोमीटर आएगा। यानी कि इस अर्थ के सरफेस से जितने भी सेटेलाइट, अमेरिका, चाइना, इंडिया, हमारा इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्राउड ऑफ इट, वी आर इंडियंस, है ना, कमाल लगता है इसरो जब कुछ भी छोड़ता है ना, हमें भी लगता है दो चार को हम भी छोड़ देना, धुआं धुआं। चलो ठीक है,
तो वो कितने डिस्टेंस पर घूमता है, 36,000 किलोमीटर के थोड़ा आगे पीछे अगल बगल में सारे सेटेलाइट यहीं पर घूम रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर है तो सारे सेटेलाइट इसी के आसपास घूम रहे हैं। आगे बात समझ में, इससे ऐसे सेटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। रिलायंस वाला नहीं रे बाबा, जियो स्टेशनरी, जिसका कि टाइम पीरियड का वैल्यू 24 आवर हो। तो मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 24 आवर। समझ में आ गया, कॉपी करो। अब हम एक चीज निकालना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेटेलाइट। एल का वैल्यू क्या होता है, एम वी आर होता है, पढ़े बने एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू एम वी आर होता है। तो मास तो पता है, मास ऑफ सेटेलाइट एम ही लिखेंगे। वेलोसिटी पता था अभी, जी एम बाय आर प्लस में एच हो जाएगा, है ना। और R यहाँ से तक का डिस्टेंस हो गया, R प्लस में H, इज दैट ओके, है ना। तो यहाँ से आ गया हमारे पास M, ठीक है ना, M अंदर चला जाएगा, M का स्क्वायर, सॉरी M का क्यूब हो जाएगा ना, नहीं 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 नहीं, मास का स्क्वायर हो जाएगा G, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, और ये अंदर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अंदर में, तो एक कटेगा तो एक बच जाएगा, R प्लस में H सारे का रूट, दैट्स योर L, ठीक है, क्लियर हुआ ना। इसको इधर भेज देते हैं, तो L का स्क्वायर बाय M स्क्वायर और R प्लस में H, सबको इधर भेज दे रहे हैं, M का स्क्वायर और R प्लस में H इधर आ गया, तो क्या हो गया, जी एम ई, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो L तो आ गया, हमें समझ में आ रहा है L का वैल्यू कितना होता है, इज इट ओके, ये याद रखना है, L का वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इतना हो गया। हमने ये इक्वेशन निकाला है, क्यों निकाले समझ में आएगा अभी पूरा। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या होता है, माइनस में जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सेटेलाइट बाय इन दोनों के बीच डिस्टेंस आर प्लस में एच होगा, ये हो जाएगा। क्या जी एम ई का वैल्यू पता है, दिख रहा है जी एम ई का वैल्यू, उसे जब पुट कर देते, जी एल का स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर आर प्लस में एच, दिख रहा है ना, इन टू योग जी एम ई की जगह पे एम बाय आर प्लस में एच, देखा फिर से देखो, जी एम ई के जगह पे, जी एम ई के जगह पे हमने पुट कर दिया, ये सारा चीज़ हमने पुट कर दिया यहाँ से, और एम बाय इधर आ गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, एम से एम कट गया, तो माइनस में एल का स्क्वायर बाय एम और आर प्लस में एच का होल स्क्वायर, दैट्स योर यू, पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया। क्या हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कौन सा, ऑर्बिटल स्पीड, अगर ये घूम रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ एम, और वेलोसिटी का वैल्यू दिख रहा है, जी मास ऑफ अर्थ बाय आर प्लस में एच, ये ना जाएगा, इज इट ओके। इन सबको अगर हम पुट करेंगे, क्या हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ पर और जी एम ई का जगह पे अब हम पुट कर देते हैं यहाँ से, हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर और आर प्लस में एच इंटू आर प्लस में एच, दैट गिव्स यू एल स्क्वायर बाय टू एम और आर प्लस में एच का होल स्क्वायर, दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक पहले जल्दी से कॉपी कर लो, थोड़ा सा तुरंत 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 क्विक 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 क्विक, मैं यहाँ से मिटा दे रहा। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूँ तो क्या होगा, यू और के को जोड़ दो, है ना, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, है ना जगह। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारे पास माइनस में एल स्क्वायर बाई एम, बिहार का राष्ट्रीय गान बज रहा है बगल में, थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। देखो ये हाफ है, हाफ में से वन सब्सट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में एल स्क्वायर बाय टू एम और आर प्लस में एच का होल स्क्वायर, दैट्स योर टोटल एनर्जी, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से, फिर बात करते हैं थोड़ा देर के बाद।
वर्क डन बाय चेंजिंग द ऑर्बिट। ध्यान समझना, ये बहुत बहुत इस बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा अर्थ है। ठीक है, ये चलो ठीक है, इतना ही छोटा सा अर्थ ले लेते हैं। और एक सैटेलाइट हमारा कोई आर वन डिस्टेंस पर, ये देखो आर वन डिस्टेंस मैंने कहाँ से लिया, सेंटर से, है ना, एक सैटेलाइट यहाँ पर घूम रहा था, तो इसके पास टोटल एनर्जी है कितना, इसके पास टोटल एनर्जी कितना है, कितना था, एल स्क्वायर बाई टू एम आर प्लस में एच का होल स्क्वायर, कितना था, निगेटिव में, तो बेसिकली हो गया यहाँ से एल स्क्वायर बाई टू एम इंटू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, अगर ये आर वन डिस्टेंस हो गया, है ना, ये ना आर और एच का वैल्यू आपने आर वन लिख दिया तो आर वन का स्क्वायर हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ ए सेटेलाइट का निगेटिव टोटल एनर्जी है, ध्यान समझना है, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव एनर्जी है। चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है, मैंने सोचा मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया और मैं बोलते जा रहा हूँ, चलो ठीक है, टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये हर समय याद रखना है कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। तो इस सैटेलाइट को का पॉजिटिव एनर्जी, मतलब इस सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी हम डालें कि ये इन्फाइनाइट पर पहुंच जाए, ध्यान सुनना इस बात को, इस सैटेलाइट को मैं कितना एनर्जी दूं कि ये इन्फाइनाइट पर, इन्फाइनाइट कितना एनर्जी होता है इसका, जीरो, उनको पता है ना, इन्फिनिटी पर कितना एनर्जी होता है, जीरो। तो मुझे अगर यहाँ से इसको यहाँ भेजना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि मैं इस सैटेलाइट को चाहता हूँ इन्फाइनाइट भेज दूँ तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा या कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू मूव सैटेलाइट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी, क्लियर है। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, ई टू माइनस ई वन, ई टू कहाँ है, इन्फिनिटी, माइनस ई वन के जगह पे ये लिख दूंगा ना, माइनस में एल का होल स्क्वायर बाय टू एम आर वन का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, एल स्क्वायर बाय टू एम आर वन का होल स्क्वायर। यही वर्क डन जो है ये इसका बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इस सेटेलाइट को यहाँ पर घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जो कि ये बाइंडेड है इस अर्थ से घूमने के लिए, तो वो है हमारे पास पॉजिटिव में एल स्क्वायर बाय टू एम आर वन का होल स्क्वायर, इज दैट ओके, अरे बस समझ में, इतनी एनर्जी है इसके पास बाइंडिंग एनर्जी। अब हम चाहते ये कितना कब था वर्क डन, यहाँ से मतलब वन से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुँचा दिए, हम चाहते हैं आर वन से कोई R2 ऑर्बिट पर पहुंचा दें, उसके लिए मुझे कहीं से इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, चेंज एनर्जी कितना देना पड़ेगा, मैं चाहता हूं R1 से R2 पर पहुंच जाए, तो वर्क डन बाय चेंजिंग द ऑर्बिट, आप लोग समझ चुके होंगे क्या करना है हमको, बस वर्क बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1, जहां पहुंचना है ये हो गया E2, जहां है दोनों का सब्सट्रैक्ट कर देंगे, भाई यहाँ पर इतनी एनर्जी चाहिए, यहाँ पर इतना एनर्जी है, दोनों घटा देंगे, मेरे पास उतना एनर्जी का चेंज आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारा वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा, E2 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, माइनस में एल स्क्वायर बाय टू एम आर टू का होल स्क्वायर, E2 माइनस ऑफ एल का स्क्वायर बाय टू एम आर वन का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ से, एल स्क्वायर बाय टू एम तो कॉमन आ गया, यह आ जाएगा हमारे पास 1 बाय आर वन का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर टू का होल स्क्वायर। बहुत बहुत आसान था पूरा का पूरा कहानी, और यही था हमारा ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी कंप्लीटेड, ग्रेविटेशन खत्म। एक छोटा सा बात और बता देते हैं यहाँ पर कि वेटलेसनेस भी एक वर्ड आता है ना, वेट लेस
निस, सब लिस निस। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लो, फिर एक छोटा सा बताते हैं, फिर कॉपी करते हैं। भूल ही गया था, ये भी छूटा हुआ है। वेटलेसनेस क्या होता है? एकदम आसान है, बहुत मजा आने वाला है अभी। ठीक है, ये है हमारा अर्थ, और यहाँ पर एक सेटेलाइट है जिस पर एक पर्सन है ना ऐसे, और ये सेटेलाइट घूम रहा है किसी भी जीरो स्पीड से। और अभी हम बताए थे ये सेटेलाइट सिर्फ यहाँ पर है रखा हुआ है ना, और ये कैसे घूम रहा है ऐसे, अर्थ क्या खींच रहा है इसको ऐसे, तो अर्थ तो इसके ऊपर इधर से फोर्स लगा रहा है, यानी कि अर्थ पे गिर रहा है। बात समझ रहा है, अर्थ पे ये 2400 घंटा गिर रहा है। हो क्या रहा है कि अर्थ पे गिरने के चक्कर में ये आ रहा है अर्थ की तरफ, और इसका पाथ हो गया ऐसे। जब यहाँ पहुँच गया तो अर्थ पे फिर से गिरना स्टार्ट किया, जब यहाँ पहुँच गया तो फिर से अर्थ पे गिरना स्टार्ट किया। हर समय ये अर्थ पे गिर रहा है, कितना से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस से। और अगर कोई बॉडी जी एक्सेलरेशन से अर्थ पे गिरेगा, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आएगी थोड़ी देर के बाद, खाली सुनना समझ लें यहाँ पर, कि वेलोसिटी भले इधर है बट बॉडी, अगर मान लो कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम सिंपल सा चीज़ समझना जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। अगर मैं वेलोसिटी दे दूँ इधर तो ऐसे नहीं गिरता ये बॉडी, तो हर समय इधर की तरफ एक्सेलरेशन जी होता है कि नहीं होता? वेलोसिटी भले इधर हो तो एक्सेलरेशन तो जी होता है ना से, ये बॉडी हर समय फ्री फॉल कर रहा होता है अर्थ की तरफ। तो सिमिलरली यहाँ भी तो हो रहा है, ये पूरा का पूरा बॉडी अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो इस आदमी का खुद का वेट समझ में ही नहीं आएगा, वो बोलेगा भाई मेरा जो वेट है जीरो है, क्योंकि कोई भी मान लो किसी आदमी का लिफ्ट है, वो लिफ्ट मैं तोड़ दूं तो इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा लिफ्ट जी से गिरेगा, ये आदमी बोलेगा हम नहीं गिरेंगे, है ना? आदमी बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, तुमको गिरना है गिरो, मैं तो नहीं गिरूंगा। इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा एम जी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी वेट खुद का एम जी, एम जी से एम जी खत्म हो गया, इसका वेट हो गया जीरो। स्यूडो फोर्स वाली कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी जो सेटेलाइट में रहा आदमी है, वो आदमी अगर जो आदमी कौन होता है वहाँ पर, एस्ट्रोनॉट होता है, वो इंसान थोड़े ना होते आदमी, चलो ठीक है, वो एस्ट्रोनॉट है, तो वो 24 घंटा अर्थ पे गिर रहा है जी एक्सेलरेशन से, इसीलिए हम कहते हैं उसका वेट जीरो है, उसको महसूस होता है उसको वेट जीरो। आ रही बात समझ में? एक ये टॉपिक था, समझ में आ गया वेटलेसनेस, कि वो पूरा का पूरा उसको लगेगा मैं गिर रहा हूँ। एक और कहानी होता है हमारे पास ब्लैक होल का, ठीक है? ब्लैक होल एकदम अच्छे समझना है, एकदम बहुत आसान टॉपिक है। मान लेते अगर कोई एक प्लानेट है या फिर स्टार है, जो भी है, इस स्टार का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, सिर्फ स्टार का 2gm/r, है ना, मास ऑफ स्टार, है ना, और रेडियस ऑफ स्टार। यानी कि यहाँ से अगर हमको निकलना है, एस्केप वेलोसिटी दे दूँ, तो निकलने के लिए मुझे ये चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन या फिर कुछ साइंटिस्ट लोगों का जो ग्रेविटेशन पे बिलीव है, ग्रेविटेशन थ्योरी होता है ये वगैरह, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया ब्लैक होल के बारे में भी। अब ध्यान सुनना इस बात को कि ये थ्योरी गलत भी है, ठीक है, ये थ्योरी ऐसी नहीं है ब्लैक होल, ठीक है ना, बट हमें हमारे जो सिलेबस में हमें उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। उस सारे थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हमको पता है इसका रेडियस, तो वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3π(r³), है ना, और डेंसिटी का वैल्यू हो जाता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डेंसिटी जो है इसका, डेंसिटी दिख रहा नहीं है, डेंसिटी वॉल्यूम में दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा। और मैं कहूँ अगर इसका रेडियस घटते जाए, रेडियस घट रहा है, ये कंप्रेस होते जा रहा है, छोटा 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 होते गया, मास सेम रहा, मास सेम है, तो डेंसिटी, रेडियस अगर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। अरे पापा, मास अगर कांस्टेंट है तो ये ना टाइट होते चल जाएगा, रेडियस कम होते जा रहा है, तो अगर रेडियस कम होगा, मास सेम है, जी सेम तो है ही, तो इसके वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है वो बढ़ जाएगी।
और अगर रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी अगर एक्सीड कर गया लाइट के स्पीड को, देन दिस प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लैक होल। यानी कि यहां से लाइट भी नहीं निकल सकता, हम तो अर्थ से नहीं निकल रहे थे, अर्थ सन से सिस्टम से नहीं निकल रहे थे, इस सिस्टम से ब्लैक होल से लाइट भी नहीं निकल सकता। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी को मैं कितना फेंक सकता हूँ तेज, कम से कम इस स्पीड से तो नहीं ही फेंक सकते। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो चुका है कि 3×10⁸ से भी ज़्यादा स्पीड से फेंको, यानी कि मैं अगर यहाँ से लाइट भी बाहर निकालूँ तो वो भी नहीं निकलेगा। रिक्वायर्ड जो इसकी एस्केप वेलोसिटी वो लाइट के स्पीड का भी पार हो गया है। यानी कि लाइट के साथ में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं, लाइट भी बाहर नहीं आ रहा है, बॉडी भी बाहर नहीं आ रहा है, वो वहीं रह जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एक तरह का ब्लैक होल ही है और हम लोग इसके अंदर में हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्थ से निकलने के लिए 11.2 चाहिए, अर्थ सन सिस्टम से 42 चाहिए, और 3-4 प्लानट हो गए तो और स्पीड बढ़ेगा, सोलर सिस्टम निकलने के लिए 100 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा इमेजिन कर लो खाली, ऐसी स्पीड चाहिए। तो सोचिए देखो, मिल्की वे से निकलने में कितना स्पीड चाहिए। मिल्की वे के ऐसा लगभग पूरे यूनिवर्स में 11 गैलेक्सीज हैं और टोटल 10^22 स्टार्स हैं, है ना। इस सारे गैलेक्सी से निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सारे तो इंट्रैक्ट करेंगे ना हमसे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सी है, अप्रोक्सीमेट इतना स्पीड चाहिए पूरे यूनिवर्स से निकलने के लिए, जो उसको हम नहीं पता, हम नहीं रीच कर सकते। तो हम लोग इसी में है, क्या हम लोग मर गए, जिंदा है ना, नकनाओ को जिंदा होना भाई, है ना, नींद नहीं आ रहा है, बहुत लंबा वीडियो हो गया लगता है, बहुत ईजी है। ब्लैक होल इसी तरह की बात करता है हमारे न्यूटनियन फिजिक्स के हिसाब से। तो यही है कि अगर रिक्वायर्ड इसके वेलोसिटी सी स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो मैं कहूँगा वो प्लानट या वो स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुका है। और जो आज की थ्योरी है ब्लैक होल की वो इससे बहुत अलग है, हम लोग उसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं अभी। तो यही था पूरा का पूरा ग्रेविटेशन का थ्योरी और कुछ कुछ न्यूमेरिकल। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें कि न्यूमेरिकल थोड़ी अच्छे लेवल के होंगे, जेई के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं उसमें एक ही वीडियो में समेट दूंगा, हर एक चैप्टर का जो जो मैं करवा रहा हूँ, है ना। बाकी तो चैप्टर के थ्योरीज के साथ में एक एक चल ही रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो फ्लूड स्टार्ट करते हैं या फिर इलास्टिसिटी, देखते हैं क्या हो सकता है। ज़्यादातर बेटर चांस रहेगा कि मैं स्टार्ट करूँ इलास्टिसिटी या फिर फ्लूड, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना जो स्टार्ट करना हो, ठीक है। और बाकी सुबह आई रही है हम लोग की SHM, है ना, पढ़ते रहो, मिलते हैं, बाय बाय, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, धन्यवाद।